हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मेजर आपका स्वागत है। मैं बहुत दिन एक भी वीडियो अपलोड नहीं दिया, तो फ्रेंड्स मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं वीडियो नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स आज मैं एक वीडियो अपलोड देता हूँ। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे इस तरीके से फोटो मेक करते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा पिक्सआर्ट चाहिए और कुछ बैकग्राउंड और पेन चाहिए, उसका लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पर दे, आप डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हो, कैसे कार्पेट के ऊपर शाइनिंग डाल सकते हो, तो फ्रेंड्स नहीं जानते हो तो फ्रेंड्स दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप देख सकते हो कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हो, कैसे कार्पेट के ऊपर शाइनिंग डाल सकते हो। फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरीके से स्टाइल से फोटो क्लिक कर लो। तो फ्रेंड्स फोटो क्लिक आप DSLR से कर सकते हो, DSLR के अंदर यानी कि DSLR के अंदर बहुत HDP होते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स आप एडिटिंग का स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स एडिटिंग नहीं जानते हो नहीं आती हो तो फ्रेंड इस वीडियो में देखेंगे कैसे प्रोफेशनल एडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मैं इस तरीके से एडिटिंग फोटो अपलोड देता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जरूर चले जाए। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं मोबाइल स्क्रीन पर चले जाए। तो फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड लेना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बैकग्राउंड लेना, तो फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। तो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट के अंदर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स मैं आ गया। तो फ्रेंड्स वीडियो ऑडिटेंस कर लिया। तो फ्रेंड्स हमारा मॉडल ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉडल में बैकग्राउंड रेस कर लिया मॉडल का। तो फ्रेंड्स कैसे बैकग्राउंड रेस कर लिया, तो फ्रेंड्स आपका देखा। तो फ्रेंड्स दो मॉडल ऐड करना होगा, एक ही पिक एक ही फोटो दो बार ऐड करना होगा, यानी कि ठीक से सेट करना होगा उसके लिए। तो फ्रेंड्स ठीक से मैच कर लो, कैसे मैं मैच कर रहा हूँ, फ्रेंड्स आप ध्यान करो फ्रेंड्स, आप सीख जाओगे, आप सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स ध्यान करो मैं कैसे फ्रेंड्स हल्के से रेस कर दो, ये एक्स्ट्रा पार्ट रेस कर दो, यानी कि फेक ना होना चाहिए, एकदम रियलिटी लग रहा है। फ्रेंड्स कार के ऊपर बैठा है, तो फ्रेंड्स ट्रैंक के ऊपर हैंड देखा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं यह बाकी है, तो फ्रेंड्स यह ब्रश कर दो या इरेस कर दो, फ्रेंड्स इरेस कर दो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यह रख दो फ्रेंड्स में हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा हैंड इरेस करना है फ्रेंड्स, यानी कि लगेगा स्ट्रैंक के ऊपर हमारा दो हैंड है। तो फ्रेंड्स इसके और एक हैंड नहीं मिला, तो फ्रेंड्स उसके लिए इस हैंड इरेस कर देता हूँ मैं। इरेस कर देने के बाद मुझे और एक फ़ोटो में ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स ऐड कर लिया, तो फिर उस फोटो का हैंड में यहाँ से लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स इसका क्रॉप कर लेना, हैंड चाहिए मुझे, सिर्फ हैंड चाहिए। तो फ्रेंड्स इस हैंड चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका हैंड यहाँ से ठीक से मैच कर लेना, यानी कि फेक ना देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ठीक से मैच कर लेना, मैं लेता हूँ फ्रेंड मैच कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप ध्यान करो कैसे मैच करता हूँ, एपिसोड को काम करके आप ठीक से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से घुमा देना, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी हो रहा है, देखो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पार्ट इरेस कर दो फ्रेंड्स, जो नहीं चाहिए उसके इरेस कर दो, काफ़ी अच्छे से इरेस कर दो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स कितना काफ़ी अच्छे से फोटो एडिट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हल्के से इरेस कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह बहुत एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इरेस कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैं डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद फ्रेंड्स हमारा देखो यहाँ नहीं मिला, तो फ्रेंड्स यह ठीक से मैच कर लो। तो फ्रेंड्स हमारा मैच हो गया, तो फ्रेंड्स इसका नेल इरेस कर दो फ्रेंड्स, यानी कि फेक ना दिखना चाहिए। फ्रेंड्स मैं इरेस कर दिया, तो फ्रेंड्स इसका ऊपर क्लिक कर, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट इरेस कर दो। हमारा मॉडल की फोटो पर ऊपर में क्लिक कर दिया, तो फ्रेंड्स यस कर दिया, तो डन कर दो। डन करने के बाद हमारा इफेक्ट्स में जाना होगा फ्रेंड्स, इफेक्ट्स में जाने के बाद हमारा फेटल ऑप्शन चूज करना होगा, मल्टीप्लाई कर देगी फ्रेंड्स। हमारा इस इफेक्ट पैन में जाना चाहिए फ्रेंड्स, पैन में हल्की से कैपेसिटी कम आके फ्रेंड्स हमारा
टी शर्ट के अंदर पढ़ना चाहिए, यानी कि सीबीसी भी लगा रहा है। तो फ्रेंड्स सीबी इफेक्ट हमारा आ गया, तो हमें डन कर देना। फ्रेंड्स डन के बाद देखो फ्रेंड्स एकदम मैच कर गया बैकग्राउंड के साथ। तो फ्रेंड्स हमारा कुछ पीएनजी ऐड करना चाहिए फ्रेंड्स, लाइट पीएनजी और मेरा लोगो ऐड करूँगा मैं, आपका लोगो ऐड कर लो। तो फ्रेंड्स लाइट का लाइट पीएनजी, बैकग्राउंड पीएनजी, ऑल पीएनजी, जो जो पीएनजी मैं यूज़ करूँगा सब कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप डाउनलोड कर लो। तो फ्रेंड्स मैं ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स इस लाइट पीएनजी को इस यहाँ से लगा देना फ्रेंड्स, इस कैपेसिटी कम कर दो, इस कैपेसिटी कम करके हमारा लोगो ब्लेंड करके फ्रेंड्स ठीक से लगा दो। मेरा लोगो में खुद का लोगो में लगा रहा हूँ, आपका लोगो लगा दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो मेरा लोगो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से लोगो टर्न कर देना फ्रेंड्स, टर्न कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सेव कर लो। तो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट के अंदर हमारा काम खत्म। तो फ्रेंड्स इस फोटो हमारा लेना होगा लाइट रूम पे। तो फ्रेंड्स लाइट रूम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर, प्रीमियम वर्जन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप डाउनलोड करना। वहाँ से सिलेक्टेड ट्रूप्स टूल्स सपोर्ट करेंगे और हीलिंग टूल सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो फोटो में पिक्सआर्ट के अंदर निकाला था, तो फ्रेंड्स उस फोटो में ऐड कर लिया फ्रेंड्स, फोटो आ गया। तो फ्रेंड्स उस फोटो के ऊपर क्लिक करो और लाइट में ओरिएंटेशन चेंज कर लिया। तो फ्रेंड्स लाइट पे जाओ, एक्सपोजर को हल्के से बढ़ा दो, इस तरीके से रख देना। तो कंस्ट्रक्शन हल्के से बढ़ा दो फ्रेंड्स, हाईलाइट्स को इस तरीके से रख देना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से फोटो इरेज हो रहा है। देखो फ्रेंड्स अब ध्यान करो, जो जो टूल्स में क्लिक कर दो, जो जो टूल्स में बढ़ाते हो कमाते हो ध्यान करो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स येलो इस तरीके से रख देना फ्रेंड्स, यानी कि फेक न दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा है हमारा टी शर्ट का कलर है फ्रेंड्स, इसका इस तरीके से रख देना, येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा बैकग्राउंड कलर है फ्रेंड्स, देखो बैकग्राउंड कलर इसका होना चाहिए, सैचुरेशन कम करके फ्रेंड्स इसका ब्लू कम कर दो हमारा बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा फेस कलर है, तो फ्रेंड्स इसका फेस कलर इस तरीके से रख देना, तो डन कर देना। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स कितना अच्छी तरीके से हो गया। तो फ्रेंड्स फोटो देखो फ्रेंड्स हमारा लाइट रूम के अंदर काम खत्म। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो हो गया। तो फ्रेंड्स देखो आगे कैसे था पहले किस तरीके से सब। तो फिर इस था मेरे वीडियो। तो मेरे वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जब भी मेरी वीडियो अपलोड को आपका।